यूपी के सुल्तानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर मंदिर से चोरी हुई लगभग 2 करोड़ की मूर्ति के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला हलियापुर के उसकाव मऊ गांव का है, जहां पर राम जानकी मंदिर से 2 महीने पहले करोड़ों की कीमत की अष्ट धातुओं की मूर्तियां चोरी हो गई थी। मूर्ति चोरी होने की घटना के बाद एसपी के निर्देशन में घटना के खुलासे के लिए पुलिस और स्वाट टीम लगाई गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सोनू और भास्कर को मूर्तियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये लोग मूर्ति को बेचने के फिराक में थे। इन लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने अवनीश संजय समेत 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, चोरी हुई मूर्ति की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए, दिसंबर 29 को थाना हलियापुर क्षेत्र में एक मंदिर से 3 अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हुई थी। इन मूर्तियों की कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट में जो अप्रोक्सीमेट लगाई जा रही थी, वो लगभग 2 करोड़ लगाई जा रही थी। ये पूरा एक घटना हम लोगों के लिए एक चैलेंज था, थाना हलियापुर के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। इस घटना का सफल अनावरण आज हमारी स्वाट टीम ने सीओ सिटी क्राइम के निर्देशन में इसका सफल अनावरण किया है। और इस अनावरण में मैं आपको बता दूं कि हमने वो 3 मूर्तियां जो गायब थी उस मंदिर से, उन 3 मूर्तियों को बरामद किया है। हालांकि टेस्टिंग के लिए जो उस मूर्ति का एक हाथ उन लोगों ने निकाल के टेस्ट कराया था, उस हाथ को भी हमने बरामद कर लिया है। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले लोगों में से 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिसमें सोनू सिंह, भास्कर दुबे, अवनीश त्रिपाठी, संजय यादव, प्रदीप कुमार और संतलाल, ये 6 लोग हैं जिनको अरेस्ट करके पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से मूर्तियों के साथ साथ ही जो इन्होंने उसको चोरी करने के लिए जो सामान इस्तेमाल किया था, वो भी घटना में प्रयुक्त अदद रोड और आरी को भी बरामद किया है। इनके पास से एक इंडिगो CS, एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, वो भी हम लोगों ने बरामद की है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही इसमें अभी कुछ लोग अभी अरेस्ट होने बाकी हैं, जिसमें से एक मेन व्यक्ति है जो इसको इंटरनेशनल मार्केट में बिकवाने वाला था, उसकी अरेस्टिंग अभी शेष है। और जो चोर मौके पर गए थे उनमें से भी कुछ की अरेस्टिंग बाकी है। ओवरऑल ये अच्छी रिकवरी है। इसको, इन मूर्तियों को पुनः उस मंदिर में स्थापित किया जाएगा, वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा खुशी की बात है। और इस पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई और 10,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। और आगे भी इस तरह के गुड वर्क करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो अभियुक्त अभी पकड़े गए हैं, इनमें से कुछ जनपद सुल्तानपुर के हैं और जौनपुर के रहने वाले भी हैं। कुल मिला के ये अंतर जनपद ये गैंग है। इनफैक्ट अगर हम इस गैंग को पूरा एनालाइज करेंगे और इसकी जड़ों तक जाएंगे, तो हो सकता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग भी निकले, जिसमें कि देश के जनपदों के और अन्य प्रदेशों की मूर्तियाँ, जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं, कीमती मूर्तियाँ होती हैं, उनको ये रैकेट निकल सकता है। इसके भी आगे पड़ताल जारी रहेगी। और ये अच्छा गुड वर्क किया।